हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज हम गूगल शीट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने एक्सेल शीट पे तो काम किया होगा लेकिन कभी गूगल शीट पे काम नहीं किया होगा। और ये गूगल शीट क्या है और इस पर हम कैसे एक्सेल के बिल्कुल एक्सेल के जैसे कैसे काम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या ऑन करना है, हमें नेट पर टाइप करना है। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे में बाई डिफॉल्ट यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए शीट्स लिखा हुआ ये आ रहा है। आपको एक्सटेंशन में जाना है। किस में जाना है? एक्सटेंशन। अब यहाँ पे आइए, सेटिंग में आइए और सेटिंग में आने के बाद ये ओपन हो रहा है, आपको आना है एडवांस, नीचे एडवांस आएगा, इसमें आना है। अब इसमें आपको एक्सटेंशन खोजना होगा, ठीक है, इसमें एक्सटेंशन खोज करके और उस एक्सटेंशन को इनेबल करना होगा, ठीक है। मैंने आपको ये तरीका बताया कि कैसे आपको इनेबल करना है, आइए समझते हैं। आप गूगल शीट को यहाँ से भी डायरेक्ट गूगल से एक्सेस कर सकते हैं। गूगल शीट यहाँ पे लिखिए और इंटर प्रेस कीजिए और गूगल की शीट आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ देखिए गूगल की शीट आ गई है और इसमें आप साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है गूगल शीट, साइन इन यहाँ पे क्लिक किया है हमने। अब देखिए ये गूगल शीट आ गई है हमारे में, ठीक है। अब इस पर आप क्लिक करिए, ये नेट से चलेगा और इसको भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे एक्सेल में काम होता है, ठीक है। ये अभी लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है जिसकी वजह से ये काम थोड़ा धीरा कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ डेटा बनाना है, इस पर कैसे डेटा बनाएंगे, इस पर थोड़ा इसको यहाँ पे देखिए सीट ऐड करने के लिए दिया है। यहाँ पे एक सीट है, अगर दूसरी सीट चाहते हैं आप तो यहाँ से सीट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो सीट ऐड हो जाएगा। फिलहाल हमको इसी सीट पे अभी काम करना है तो इस पे काम करते हैं। जैसे लिखना है नेम, तो हेडिंग में हम दे देते हैं नेम, ठीक है। और यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पे देना है प्रोडक्ट, PRODUCT। मैं आपको एक डेमो दे के दिखा रहा हूँ कि इस पे काम कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नेम है राम, ठीक है, श्याम, SHYAM, यहाँ से इसको सही कर लीजिए, कैपिटल कर लीजिए, और राम श्याम रमेश, सॉरी RAMES, ठीक है। और यहाँ प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं आप, जैसे हमने दे दिया ऑयल, ठीक है। और यहाँ दे देंगे शुगर, यहाँ दे सकते हैं जैसे मान लीजिए दे दिया हमने हार्ड डिस्क DISK, ठीक है, ये दे दिया। अब यहाँ पे इनकी कॉस्ट क्या है वो देंगे, COST, कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट क्या है, जैसे ऑयल की कॉस्ट क्या है, ऑयल जो है 90 रुपये का है, ठीक है। और यहाँ शुगर जो है 1 किलो 34 रुपये की है, हार्ड डिस्क जो है 7000 रुपये का है, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे यूनिट, UNIT, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे जैसे यूनिट 4 बिका, यहाँ 3 बिका, यहाँ 5 बिका, तो इसको हमको अब कैलकुलेट करना है कि टोटल हमारा अमाउंट कितना लगा। तो यहाँ से टोटल करिए, TOTAL, टोटल अमाउंट कितना आएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, आपको बड़ा मज़ा आएगा इस पर काम करने में। इज इक्वल टू का निशान बनाइए। अब चूंकि हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आप 90 को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे सेल रेफरेंस आ गया है, आप देख सकते हैं। इनटू का निशान लगाइए और 4 लगाइए और इंटर प्रेस कर दीजिए तो यहाँ टोटल आ गया है। अब इसको आप ड्रैग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और बिल्कुल जैसा आप एक्सेल पे काम करते हो ना वैसे ही ये भी है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ से इसको चेंज करता हूँ, इसका कलर, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट का कलर भी बदल रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फिल कलर दिया हुआ है तो फिल कलर भी बदल जाएगा। यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ फिल कलर, तो ये देखिए ब्लैक हो गया। अब इसको वाइट बना देता हूँ तो देखिए ये वाइट हो गया। अब इसकी इसको बोल्ड बनाना है तो बोल्ड कर दिया हमने, ठीक है। साइज बढ़ानी है तो साइज भी बढ़ जाएगी, यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हो। ये सारी सुविधाएँ आपको गूगल भी दे रहा है और इस पर आप इस तरह से काम कर सकते हो। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से इस पे काम करना है, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम काम करते थे इसके पहले, वैसा ही है। यहाँ पे देखिए 3 सीटें क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। और आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।